उमरिया जिले के ख्याति प्राप्त माँ ज्वालाधाम उचेहरा में श्री गोपाल महायज्ञ और श्रीमद् भागवत पुराण कथा का शुभारंभ विधिवत वैदिक मंत्रोपचार के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान महायज्ञ में शामिल भक्तों की शुद्धि कराई गई तो वहीं पूरे आयोजन तक नियमों के बारे में विधिवत ज्ञान का संचार आचार्य पंडित सीताराम शास्त्री के द्वारा कराया गया। उचेहरा धाम से एक शोभा यात्रा के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जो गाँव का भ्रमण कर ग्राम के देवी देवताओं के पूजन के उपरांत मंदिर प्रांगण पहुंची। इस दौरान आरती के कथा व्यास का स्वागत वंदन किया गया। गौरतलब है कि कथा व्यास पंडित श्याम सुंदर पाराशर के मुखारविंद से भक्तों को रसपान कराया जा रहा है। इस धार्मिक अनुष्ठान में 22 फरवरी को भीष्म स्तुति परीक्षित जन्म, 23 फरवरी को सती चरित्र ध्रुव चरित्र, 24 फरवरी को श्री राम कथा नंद महोत्सव, 25 फरवरी को माखन चोरी लीला गोवर्धन पूजा, 26 फरवरी को रुक्मणी विवाह, 27 फरवरी को सुदामा चरित्र भागवत सार और 28 फरवरी को कथा विश्राम हवन प्रसाद वितरण और भंडारे का कार्यक्रम होगा। हम सभी की आस्था और श्रद्धा के केंद्र जगत जननी माँ ज्वाला धाम में आज श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो रहा है, साथ ही गोपाल महायज्ञ हो रहा है, जिसको लेकर जो यह ज्वाला धाम है इस पूरे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और आसपास की सीमा से सटे हुए जिलों में भी इसकी ख्याति है और सभी श्रद्धालु जन आकर यहाँ से अपनी मनमानी मुरादों को पूरा करते हैं और निश्चित ही यह हमारे लिए गौरव की बात है और हम सभी लोग हमारी आस्था और श्रद्धा के केंद्र माँ ज्वाला देवी की सेवा के लिए आतुर हैं और सभी लोग यहाँ पर बड़े श्रद्धा भाव से समर्पण से माँ ज्वाला देवी के पास अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु आ रहे हैं।